23 तारीख को गोगुंदा थाने पे प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक मानसिक रूप से कमज़ोर महिला के साथ 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल को प्रकरण करके ले गए थे और उसके साथ गिरफ्तार किया, हाथ पांव बांध के उसको डाल के चले गए। प्रकरण में अनुसंधान चेतना भाटी जी ऐसा ही CW के CEO को दिया गया और अनुसंधान के दौरान पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया, बयान 161-164 के करवाए गए और नक्शा मौका FSL टीम को मौका विजिट करवाया गया। आरोपियों की तलाश के लिए अनंत जी एडिशनल SP साहब हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीमें गठित की, जिसमें प्रेम धंधे CEO गिरवा, भगर सिंह जी CEO बालोर और उनके साथ टीमें DST की और स्पेशल टीमें लगाई गई। टीमों ने दिन रात मेहनत करके आज इस प्रकरण में जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और जो अपराधी वाहन काम में लिया गया उस वाहन को भी बरामद कर लिया। ये केस अपने आप में बहुत जटिल था हमारे लिए, क्योंकि जहाँ घटना हुई थी वो पूरा जंगल सुनसान इलाका था, कोई एविडेंस हमारे पास नहीं था। पीड़िता स्वयं भी बताने की हालत में नहीं थी कि आरोपी कौन है, कितने हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं। आसपास कोई CCTV कैमरा नहीं था, किसी भी प्रकार की मोबाइल कनेक्टिविटी उस इलाके में नहीं थी, इसलिए बहुत ही जटिल केस था। टीमों ने दिन रात मेहनत की और इन लोगों ने सारे शराब के ठेके उस इलाके के थे उनको चेक किया, पेट्रोल पंप सारे चेक किए जहाँ से मोटरसाइकिल पेट्रोल ले सकती है उन जगहों पर। बात आई थी कि एक व्यक्ति के बाल हैं वो लाल किए हुए, तो सारी नाई की जो दुकानें थी उनको चेक किया। साइबर की टीम ने विभिन्न प्रकार के डाटा उठाए, रास्ते यहाँ से लेके उस घटनास्थल तक के सारे CCTV कैमरों की फुटेज चेक, 18 से लेके 25 साल तक के आसपास के 4-5 गाँव के, क्योंकि ये था कि आरोपी इस रास्ते को जानते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी आसपास के लोग, 18 से 25 साल के लोगों की एक प्रोफाइल तैयार करके कौन लोग पहले से इस तरह के अपराध में रहे हैं उनकी सूची तैयार करके उनकी भी तस्दीक प्रारंभ की थी। इसी दौरान जो हमारे स्पेशल के हैं दिनेश, उनके पास किसी मुखबिर ने सूचना दी कि इस घटना में एक आरोपी का नाम बताया कि ये शामिल हो सकता है लक्ष्मण। लक्ष्मण को ला के जब पूछताछ की तो उसने अपराध को स्वीकार किया और अपने साथ जो दो और आरोपी थे उनके नाम बताए। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने अपनी वारदात कबूल कर ली और उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मैं सारी टीम को इसके लिए विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 2 दिन लगातार पूरी रात भर जग के मेहनत की और इस जो बहुत ही गंभीर अपराध था इसका खुलासा किया। विशेष रूप से अनंत का, प्रेम का, चेतना जी का, गिरधर का धन्यवाद, उन्होंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर करके इस वारदात का खुलासा किया। इसके साथ ही हम एक और अभियान अब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस वारदात से हमने सीखा है बात कि रूरल एरिया में भी CCTV कैमरा की बहुत कमी है और CCTV कैमरा एविडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम आज से 30 जून तक ये अभियान शुरू कर रहे हैं कि हर बीट कांस्टेबल न्यूनतम 3 नए CCTV कैमरे इंस्टॉल करवाएगा, धार्मिक स्थल हो, इम्पोर्टेंट सड़क हो या जो भी उनके अपराध की दृष्टि से संवेदनशील स्थान है उन जगहों पर। इस चीज़ के लिए हम सभी शहर के नागरिकगणों से, रूरल एरिया के नागरिकगणों से, जनप्रतिनिधियों से, सभी धर्मगुरुओं से, व्यापार मंडलों से, व्यापारियों से निवेदन करते हैं कि इस हमारे अभियान में आप सहयोग दें, ताकि हम भविष्य में यदि कोई इस तरह का अपराध होता है तो अपराध को नियंत्रित भी किया जा सके और अपराध में जो अपराधी हैं उनको जल्दी पकड़ा जा सके। सर, ये जो गिरफ्तार आरोपी हैं इनकी प्रोफाइल क्या है सर, क्या कौन? इसमें से एक आरोपी है लक्ष्मण, जो मुख्य अभियुक्त है जी। वो उसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं, पहले लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं और चालानशुदा है। तीनों आरोपी शादीशुदा हैं, एक आरोपी के 4 बच्चे हैं, दूसरे के 2 बच्चे हैं, तीसरे के भी बच्चे नहीं हैं। घटना करने के बाद रात को ही अपने अपने घर चले गए थे और अगले दिन सुबह जो भी रूरल एरिया में पेपर डालने की कोई गाड़ी जाती है उस गाड़ी में बैठ के उदयपुर आ गए थे और यहाँ अपना मजदूरी का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया।